हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसीपी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपको गाइड कर रहे होंगे रिगार्डिंग नीट, और जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने नीट एग्जामिनेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि आप केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 मतलब कि परफेक्ट स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभ्युदय है, मैं अभी फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एम्स दिल्ली में, और मेरे नीट 2020 में 710 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720, एंड उस टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 थी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का मास्टर प्लान, तो सबसे कुछ जनरल पॉइंट्स पे आते हैं जो आपको पता होना चाहिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा आपका कि अंडरस्टैंड द नीट केमिस्ट्री सिलेबस एंड वेटेज, कि आपको पहले तो नीट केमिस्ट्री का देखना है सिलेबस क्या है और उन सिलेबस का वेटेज कितना है। जितना ज़्यादा जिसका वेटेज है ऑब्वियसली आपको उसको उतना ज़्यादा टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से एक क्वेश्चन आ रहा है आप उसको 5 दिन दे रहे हैं, जहां से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां उस वाली चीज को आप 1 दिन दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, उसे आपको बचना है। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिलेबस को जानिए और हर सिलेबस का वेटेज कितना है उसको आप जानिए। देन उसके बाद प्रायोरिटाइज NCERT स्कोर। आपका हमेशा जो कोर सिलेबस होना चाहिए या जो कोर आपकी बुक होनी चाहिए वो NCERT होनी चाहिए। आपका हमेशा और हमेशा फोकस सिर्फ और सिर्फ NCERT पे होना चाहिए। अगर आपको NCERT का एक टॉपिक नहीं आता है, या फिर अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको नोट्स के 5 टॉपिक नहीं आते जो NCERT में नहीं है, तो आपको वो चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है कि मुझे NCERT का अगर एक टॉपिक नहीं आता तो मुझे वो आना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको NCERT पूरा का पूरा आना चाहिए। देन उसके बाद तीसरी पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज ग्रेटर देन क्रैमिंग। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ज़्यादा ध्यान देना है रदर देन क्रैमिंग पे। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग चीज़ों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहती। तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन उसके बाद आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है। अभी आजकल क्या हुआ है, मार्केट में बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ गई है, दैट आर वेरी गुड, बहुत अच्छी चीजें हैं वो सारी, बट आपको आखिरकार तो पेपर ऑफलाइन मोड में ही देना है, नीट इज नॉट ऑनलाइन। तो आपको आखिरकार अपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर एक अलग से फोकस रखना है। देन उसके बाद डिसेंट प्रैक्टिस बुक, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो यार देखो, ऐसा है कि आप अगर 10 बुक एक बार पढ़ो और एक बुक 10 बार पढ़ो, तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि जब आप एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो आपका जो आउटकम है वो ज्यादा अच्छा आएगा रेदर देन 10 बुक को एक बार पढ़ने से। सो डिसेंट प्रैक्टिस बुक्स आपको करनी है और क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। देन उसके बाद समरी शीट्स, हैंडबुक, रिएक्शन, ये सारे आपको बनाने हैं, सारे चैप्टर्स की समरी, शॉर्ट नोट्स, एक एक पेज में नोट्स, उसके बाद फिर जितने भी नेम्ड रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सारी चीजें आपको अलग से बनानी होंगी। देन नोटबुक, फॉर्मूला शीट फॉर क्विक रिवीजन। तो आपको अगर जल्दी जल्दी रिवीजन करना है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको एक नोटबुक तैयार करनी होगी और आपको फॉर्मूले शीट्स बनाने होंगे स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में। देन अगर मैं बात करूं टॉपिक वाइज, लाइक पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज है कि आपको सारे के सारे चैप्टर कवर करने हैं। आपको कोई भी छोटा सा छोटा चैप्टर तो छोड़ो, छोटा सा छोटा टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, ठीक है। और NCERT की तो सारी चीज आपको कवर करनी ही है। अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 लाना है तो सबसे पहली चीज होगी कि आप सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करें। देन इसका सेकंड पॉइंट है आपको पढ़ने का प्रोसेस क्या होगा। तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ने हैं कोचिंग के या फिर जो आपने खुद से बनाए हो। देन उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे जहां पर क्या कहते हैं जो क्वेश्चन हो वो आपके नोट से ही मिलते जुलते हो। ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं होना चाहिए जो बहुत ही हाई लेवल का हो, जे एडवांस लेवल का हो, उतना करने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है रदर देन आपको डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद आपको नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, फिर आपको NCERT पढ़नी है। अगर आप डायरेक्ट NCERT पढ़ने पे जाओगे तो हो सकता है आपको NCERT उतने अच्छे से समझ में ना आए। सो दैट्स व्हाई आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स के बाद क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चन बैंक में जो गलतियां हो उसको फिर से नोट्स से आपको देखना है। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप अपने NCERT की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। NCERT पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, NCERT पढ़ने के बाद आपको PYQ पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड साथ ही साथ उसके बाद आपको NCERT के जो क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी वाले वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो NCERT के क्वेश्चन थ्योरी वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो 180 आउट ऑफ 180 होता है, जो 170 आउट ऑफ 180 या फिर 165 आउट ऑफ 180 होता है, उसमें मोस्ट लाइकली वो NCERT के क्वेश्चन जो थ्योरी वाले होते हैं वही गलत करके आते हैं। सो अगर आपको एक टॉपर बनना है रदर देन टॉप मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको ये जरूर फोकस करना है, इस पर जरूर फोकस रखना NCERT के क्वेश्चन स्पेशली जो थ्योरी वाले होते हैं। देन उसके बाद आपको नेम रिएक्शन रिवाइज करनी है हर चैप्टर की, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद। देन उसके बाद आपको इंटर टॉपिक रिलेशन पर फोकस करना है। आप कैसे कर सकते हो, कन्वर्जन के थ्रू। व्हाट इज कन्वर्जन, तो जैसे ये कि आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, आपने 2-3 चैप्टर पढ़ लिया, अब आप क्या कर रहे हो, आपने कोई क्लोराइड का प्रोडक्ट उठाया, आप उसको अल्कोहल में चेंज कर रहे हो, अल्कोहल को ईथर में चेंज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अल्कोहल ईथर में कैसे चेंज होता है या साइनाइड आइसोसाइनाइड में कैसे चेंज होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कन्वर्जन के थ्रू पता चलेंगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद करने में चीजें बहुत इजीली आप याद कर पाओगे। देन आप स्पेशल फोकस करो सारे रिएक्शंस पे, क्योंकि सॉरी रिएजेंट्स पे, क्योंकि रिएजेंट्स पे ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, या फिर रिएजेंट के थ्रू ही आप बता पाओगे कि कौन सा ये नेम रिएक्शन है। तो स्पेशल फोकस करना है आपको रिएजेंट के ऊपर। देन उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो 3 चीजें हैं,
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल, मॉड्यूल ओनली, ठीक है। अगर आपके पास तीन ऑप्शन है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी वाले ऑप्शन को चूज करिए, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल या सिर्फ मॉड्यूल वाले ऑप्शन को मत चूज करिए। क्यों? मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में, आप अगर एक ही चीज पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। तो अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ेंगे तो आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की फोटोग्राफिक मेमोरी आपके दिमाग में बनेगी और आप एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं और आप सही करके आओगे। बट अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो आप बेफालतू का अपने अंदर एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स पाल लोगे कि यार एनसीईआरटी में कुछ दिया था, मॉड्यूल में कुछ दिया था, फिर उसके बाद ना आप कहीं ना कहीं एक ना क्वेश्चन गलत जरूर करके आओगे। सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करें। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा लिया, पीवाईक्यू कर लिए, बस। उसके बाद अगर आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो पहली बार, तो आपको 1.5 घंटे देने हैं पर पेज, ठीक है। आप समझ रहे हो 1.5 घंटे पर पेज आप दे सकते हो आराम से दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो पहली बार जब आप पढ़ो तो 1.5 घंटे दो, एकदम एक एक चीज एक एक पॉइंट समझ के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, चार बार लिखो, जितनी बार लिखना लिखो, बट आपको चीज याद हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको चीज याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वो पढ़ने का। उसके बाद रिवाइज भी करना है बहुत बार, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। देन उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको नॉट टू लीव एनीथिंग, वही मैंने आपको पहले बताया कि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सब टॉपिक लीव आउट नहीं करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। तो ये देखिए, ये है आपका कोई टेबल बना होता है, जैसे कि बहुत सारे टेबल्स दी होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, बट कभी ना कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो आपको इनका भी ऑर्डर याद करके जाना है, ठीक है। आपको कोई भी चीज एनसीईआरटी के मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट का, NH3, PH3, SH3, SH3, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद मैं आता हूँ लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रोसेस में बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है। तो इसमें आपको नोट्स सॉल्व करने हैं, पहले नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री। अभी तक मैंने ये कहीं नहीं बोला, बट फिजिकल केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ पीवाईक्यूज के ऊपर, क्योंकि पीवाईक्यूज वाले ही क्वेश्चन हर बार आते हैं, बस खाली वैल्यूज चेंज होती हैं। तो आपको पीवाईक्यूज बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वही थ्योरी वाले आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 170-180 के बीच का डिफरेंस, यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो थ्योरी में होते हैं, ठीक है। मेरे खुद केमिस्ट्री में 175 आए थे, एंड जो मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था वो यहीं से गलत किया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन थ्योरी से। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल का कोई स्कोप नहीं है, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसमें सिर्फ आपको याद करना है, वो चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि वही एक डिफरेंस होगा एक टॉप मेडिकल स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच में। देन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं हर टॉपिक हर चैप्टर के लिए, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देन लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि हार्डर यू वर्क द मोर लक यू सीम टू हैव, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि वो तो बहुत लकी है, ऐसा जानो यार कोई लकी होता नहीं है, बट वो ज्यादा हार्डवर्क करता है, तो जब वो गैसेस मारता है ना तो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप क्या करो, आप एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप उसी चैप्टर के वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आपको नहीं आते हैं, और आप एक ऐसे इंसान को दो जिसने बिल्कुल कुछ ना पढ़ा हो, तो भी आपके देखना आपके ज्यादा गैसेस सही होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आइडिया होता है थोड़ा बहुत, तो उसी चीज को लक कहते हैं। सो दैट्स व्हाई जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको लक फेवर करेगा। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें कि वो भी केमिस्ट्री में जिनको डिफिकल्टी हो रही है वो भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। चलो बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।